धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे रुक मिली चली भाई हमारे कलेनु पे पांगुरे भैया जम्प कलेनु पे और संग की सहेली जाय रही तक पीछे पीछे तब तक क्या हुआ, एक कौवा आया, आहा, रुक्मिणी के पीछे से गया और सर के ऊपर से निकल गया कांव कांव की आवाज लगाता हुआ। रुक्मिणी कहने लगी, ओ कौवा क्या कह रहा है तू, कौन सी भाषा बोल रहा है, मेरी बात सुन। कागा सब तनु खाइए, और चुन चुन खाइए मेरो मास, पर तुइनी ना मत खाइए मोए मिलन की आस। अरे सोच समझ की पड़ रही आगे पुरुख मेरी, आदुरे आगे पुरुख मेरी, मेरे भैया आज रुक्मिणी आगे बढ़ती गई। देखा है भगवान कन्हैया रथ लिए हुए मंदिर के सहारे खड़े हैं। रुक्मिणी गई गिरिजा भवानी के मंदिर में जाके पूजा करी और कही, मैया आज तू मेरी जंदी जंदी वारी पूजा स्वीकार कर ले, मुझे बड़ी देर है रही है, तो मैं अगर भैया को मालूम पड़ गई तो मेरो बनो बनाओ घर बेघर इधर हुए, मैया मैं तेरी द्वारिका में जाके तन मनते पूजा करूंगी, आज तू मुझे माफ कर दे। गिरिजा मैया की पूजा करवे में रुक्मिणी लगी है, और तब तक वे सखियां आपस में बतला रही है, जी जी देखे रुकुम जीजा वो शिषपाल जीजा ना है, देख कितने बढ़िया आए, कितने बढ़िया आए, रुक्मिणी पैदल आए, सो देखो नहीं गो, सो देखो रथवा वेद वो रथवा, और रथवा के तो मलूक है जबकि हाथ में बंसी है, ओहो होठ रसीले दांत चमकीले आंख आहा रसीली, और नाक ऐसी है जबकि नाक को देख के सुअ शर्मा जाए। हमें जब मालूम पड़ते है जे जे उन्हीं के भेजे भाई आए, सो गई भजी भजी, सो रुक्मिणी थी बोले, जी 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 देख देख वो आवे वो रथवा आवे तुम्हें लेवे को जी जाने भेजो है, वो ये तो मलूक है, ये तो मलूक है, हम तो देख के शर्माए भाई, और हम जब सोच रहे कि बताओ जब रथवालो ये तो सुंदर है तो दूल्हा के तो सुंदर हुई है, तुम ऐसो करो जल्दी चलो रथम बैठ के चलेंगे। अरे रुक्मिणी मंदिर से बाहर आके देखती है कन्हैया खड़े, आंखों ही आंखों नमस्ते हो गई। रुक्मिणी ने पूछा, आ गए? कन्हैया बोले, तुमने बुलाए फिर क्यों नहीं आते? अच्छा पास में पहुंच गई। बोले कहाँ रहते हो? कन्हैया बोले, सब जगह रहते हैं और कहाँ रहते हैं। सो एक छोरी बोली, देख ले कितो बड़ो सिर्रियनो कह रहे हो, सब जगह रहते हैं, सब जगह जी रह ले, सब जगह नेक सोसो तो है ही, भगवान तो सही कह रहे हैं।
हाँ से बोली भैया उन तो मत बतलाए, देख सही सही बताए, देख कहाँ रहे तू है। रुकमेडी ने कही शांत रहो, बकन देव ने बकन देव ये सोते हैं पीछे लग गई भैया ने लगाए दही, मैं क्या करूं। बोले जे बताओ जे तुम्हारे हाथ में का है। बोले हमारे हाथ में बसुरिया है। जब का हो तो बोले बजाते है। बोले जरा बजा के दिखा दो। सो कन्हैया बोले तो जमाल में चारों ओर दुश्मन लग रहे हैं और हमने बजाई जहाँ बसुरिया जे चारों लंग खड़े हैं दुश्मन सब तो देंगे बसुरिया ताते जाना है वही सुनाएंगे चलो। बोले तो निक दिखाई दो। बोले ले देख लो देख भी मैं कहा जा रहा हूँ। सो ऐसे हाथ बढ़ाओ। कन्हैया ने बंसी तो खींच के डाल ली रथ में और रुक्मिणी को हाथ पकड़ो और अचक उठाई और रथ में। अब बोले कि अब बताओ कि ते चले तुम्हारे पापा के घरे चले के अपने घरे चले। बोले कन्हैया जैसे तैसे तो मैं अपने यहाँ तक आए पाई हूँ, तुम फिर लौट के वहां हमें ले जाओगे, लड़ाई हो जाएगी, तुम ऐसा करो हमें अपने घर ले चलो। अपने घर? बोले चलो अपने घर। अब भैया रथ के एक चक्कर लगा रहे हैं बाघ को रथ से भगवान। अब सखियां बोली देखो जीजी बड़ी चालू ने करी रुक्मिणी तो जने तो हाथ पाँव ने फड़फड़ाओ और पट बैठ गई और अब न जाने। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।